हेलो एवरीवन, आई एम हरिशंकर सैनी और आज इस वीडियो में हम जो यूनिट फर्स्ट है उसका जो सेकंड लेसन है दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। मैंने अपनी पहली वीडियोस में जो हमारा फर्स्ट लेसन था दैट इज रिलेशन एंड फंक्शन, उसको कई सारे पार्ट्स में डिवाइड करके आपको वन बाय वन सारे टॉपिक्स, उसके दोनों जो टॉपिक्स थे, फर्स्ट वन इज फंक्शन एंड सेकेंड वन इज फर्स्ट वन इज रिलेशन एंड सेकेंड वन इज फंक्शन, वो सारी आपको कंप्लीट करा दिए हैं। अब हमारा ये न्यू टॉपिक है दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये यूनिट फर्स्ट का ही लेसन है एंड यूनिट फर्स्ट में ये पार्ट भी इंक्लूडेड रहता है। इसमें मोस्टली क्वेश्चंस रेयरली, कभी कभी 4 मार्क्स का क्वेश्चंस भी आता है करने के लिए एंड 2 मार्क्स या 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं करने के लिए। सो, काफी सारे फॉर्मूले हैं इस टॉपिक में और उनमें से जो इम्पॉर्टेंट पार्ट, एक्चुअली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस लेसन को समझने के लिए, वो सारा कुछ मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इस वीडियो को, दैट मीन्स इस लेसन को, मैं 2 या 3 पार्ट्स में, कम से कम 3 पार्ट्स या 4 पार्ट्स लगेंगे, 4 वीडियो में हम इसे कम्प्लीट करेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं पहले क्लास 11th का जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, अभी हमारा लेसन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स फंक्शन, ये अभी हमने जो हमारा पीछे का वीडियो था, लास्ट वीडियो था, उसमें ही पढ़ा था इन्वर्टेबल फंक्शन। सो ये इन्वर्टेबल फंक्शन ही है, बट इन्वर्टेबल फंक्शन में अब फंक्शन स्पेशल टाइप का हो गया है, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सो पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात कर लेते हैं जो हमने क्लास 11th में और प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, उसके बाद फिर हम इस इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर आते हैं। सो चलिए मैं आपको बताता हूं, जो हमने क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े हैं, ये टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे। फर्स्ट वन इज साइन एक्स, कॉज एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, कॉसेक एक्स एंड सेक एक्स। तो ये टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमने क्लास 11th और पुराने क्लासेस में, दैट मीन्स 10th क्लास में भी स्टार्ट हो जाता है। सो 10th क्लास से हमने ये पढ़ते हुए आ रहे हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं इस पीछे। सो इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्लास 11th में हमने डोमेन और रेंज भी पढ़े हैं, बिकॉज जब हम इन्वर्टेबल फंक्शन की बात करते हैं सो उसमें हमें डोमेन और रेंज का भी कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। सो फर्स्टली मैं क्या करता हूँ, इनको वन बाय वन सभी के डोमेन एंड कोडोमेन, सॉरी जो डोमेन और रेंज है, रेंज आपके सभी को बता देते हैं और उसके बाद फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं अपना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हमारे 12th क्लास में सिलेबस में है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमें कोई फंक्शन गिवन है, मैं एक टेबल सा बना देता हूँ ताकि आपको एक क्विक रिवाइज हो जाए, और उसके बाद फंक्शन का जो डोमेन है देन उसका रेंज है। फंक्शन है साइन एक्स का डोमेन हमें मालूम है क्या होता है, आर, दैट मीन्स रियल नंबर, यानी यहां पर हम कोई भी रियल नंबर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। एंड इसका रेंज क्या होता है, दैट इज -1 to 1, दैट मीन्स उसकी जो वैल्यू होगी, हम वैल्यू एक्स की यहां पर कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं, बट जो वैल्यू हमें मिलेगा वो वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में ही लाई करेगा। द नेक्स्ट फंक्शन इज कॉज एक्स, कॉज एक्स का डोमेन भी आर ही होता है और इसका रेंज भी -1 to 1 होता है, +1 लिख देता हूं, -1 to 1। सो ये हमारा सेकंड फंक्शन है। द नेक्स्ट फंक्शन इज टेन एक्स, टेन एक्स का डोमेन क्या होता है, यानी x की वैल्यू हम क्या क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, यहां पर x की वैल्यू हम कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। सो टेन एक्स का डोमेन क्या होता है, x के प्लेस पर हम कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं, बट पाई बाई टू की जो मल्टीपल्स हैं वो वैल्यू हम पुट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज 10 π/2 इज अनडिफाइंड, दैट मीन्स इन्फिनिटी होता है वैल्यू। सो यानी हम पाई बाई टू वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं, एंड पाई बाई टू के जितने भी ऑड मल्टीपल्स होंगे वो कुछ भी पुट नहीं कर सकते हैं। सो इस 10 का जो डोमेन होगा दैट इज आर माइनस एन पाई बाई टू के ऑड मल्टीपल्स आपको माइनस करना पड़ेगा, यानी पाई बाई टू आपका इन्फिनिटी हो जाएगा, 3π/2, 10 3π/2 वो भी इन्फिनिटी होगा, 10 5π/2 वो भी इन्फिनिटी होगा, दैट मीन्स पाई बाई टू के जितने भी ऑड मल्टीपल्स हैं। सो ऑड मल्टीपल्स को हम 2n+1 करके लिख लेते हैं, एंड पाई बाई टू, सो ये सारे ऑड मल्टीपल्स आपको माइनस करने पड़ेंगे।
सो फाइनली जो हमारा 10 का डोमेन होगा दैट इज r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2। एंड इसका जो रेंज होगा, रेंज इसका कुछ भी आ सकता है, दैट मीन्स रेंज क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी कुछ भी वैल्यू पॉसिबल है। सो इसका जो रेंज होगा दैट इज r। हमारा नेक्स्ट फंक्शन है दैट इज कॉटेक्स। कॉटेक्स में एक्चुअली क्या होता है, कॉटेक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कॉज एक्स साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स, सॉरी कॉज एक्स अपॉन साइन एक्स। कॉटेक्स को मैं यहां पर लिख दे रहा हूं कॉज एक्स अपॉन साइन एक्स। सो डोमेन में एक्चुअली क्या होगा, जितने भी साइन एक्स की वैल्यू जहां जहां पर जीरो होगी उन सारी वैल्यूज को हमें आर से माइनस करना पड़ेगा। सेम हमने वही टेन एक्स में कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है, टेन एक्स में इक्वल टू होते हैं साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स, ये साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स के इक्वल होता है। सो यहां पर जितने भी कॉज एक्स, जिस पॉइंट पर भी कॉज एक्स की वैल्यू जीरो होती है उन सारे पॉइंट्स को हमने आर से माइनस किया। सेम यहां पर हम करेंगे कॉटेक्स इज इक्वल टू है साइन एक्स अपॉन सॉरी कॉज एक्स अपॉन साइन एक्स। सो हम साइन की वैल्यू जहां जहां भी जीरो होती है उन सारे पॉइंट्स को माइनस करेंगे। अब साइन की वैल्यू जीरो कौन से पॉइंट पर होती है, साइन जीरो जीरो होता है, ऐसे ही साइन पाई भी जीरो होता है, साइन टू पाई भी जीरो होता है, दैट मीन्स पाई के जितने भी मल्टीपल्स हैं चाहे वो ऑड हो या फिर इवन हो सभी पर जो वैल्यू है साइन की जीरो होती है। सो दैट मीन्स इसका जो डोमेन होगा आर माइनस एन पाई, पाई के जितने भी मल्टीपल्स हैं उन सारे मल्टीपल्स को हम क्या करेंगे इक्वल टू उन सारे मल्टीपल्स को आर से माइनस कर देंगे। सो ये होता है इसका डोमेन। एंड रेंज क्या होता है, सेम जैसे 10 का है वैसे इसका रेंज होता है आर, यानी इसकी जो वैल्यू है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक कुछ भी वैल्यू हो सकती है। और नेक्स्ट फंक्शन इज कॉसेक एक्स। कॉसेक एक्स को एक्चुअली हम कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन एक्स। सो 1 अपॉन साइन एक्स दैट मीन्स साइन एक्स जहां पर भी जीरो होगा उन सारी वैल्यूज को हमें माइनस करना पड़ेगा, कहां से, आर से, सेम पहले जैसा ही है। सो कॉटेक्स और कॉसेक एक्स का जो डोमेन होता है वो सेम ही होता है, दैट इज आर माइनस एन पाई। ओके, और डोमेन अगर हम सेक एक्स का देखें तब सेक एक्स इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉज एक्स। सो कॉज एक्स डिवाइड में कॉज एक्स है, दैट मीन्स कॉज एक्स जहां पर भी जीरो होगा उन सारे पॉइंट्स को आर से माइनस करेंगे, यानी ये वैल्यू सेम इसके इक्वल ही होगा जो 10 का है, आर माइनस 2n प्लस 1 एन पाई बाई 2, यानी इन सारे पॉइंट्स को हम यहां से माइनस कर देंगे। अब इनकी रेंज की भी बात कर लेते हैं। कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स एक्चुअली गिवन है 1 अपॉन साइन एक्स। अब जरा देखें साइन एक्स की जो वैल्यू है वो माइनस 1 से 1 के बीच में, यानी साइन एक्स की वैल्यू माइनस 1 से बड़ी है और 1 से छोटी है। तो जब हम उसका रेसिप्रोकल करेंगे तब ये जो रेंज है ये पॉइंट्स जो हैं पूरे आर से आपको माइनस करने पड़ेंगे। दैट मीन्स जो वैल्यू है जो 1 से माइनस 1 से और 0 तक की जो वैल्यूज हैं वो अब माइनस 1 से छोटी हो जाएंगी, और ऐसे ही जो 0 से 1 के बीच की वैल्यू है वो 1 से बड़ी हो जाएंगी जब हम इसका इन्वर्स करेंगे यानी रेसिप्रोकल करेंगे। सो इसका जो रेंज होता है दैट इज आर माइनस माइनस 1 टू 1, यानी इस इंटरवल को हम माइनस कर देंगे। सो फाइनली ये हमें क्या मिल जाएगा, इसका रेंज मिल जाएगा। अब जरा देखें sec x, sec x भी क्या है 1 अपॉन cos x, यानी cos x का रेसिप्रोकल फंक्शन है। सो इसमें भी सेम वही होगा, जब हम इस टर्म को रेसिप्रोकल करेंगे यानी इन सारे नंबर्स को रेसिप्रोकल करेंगे सो इसका जो रेंज होगा वो भी r माइनस माइनस 1 से 1 के बीच में, यानी r से हम पूरे रियल नंबर से माइनस कर देंगे। और ये जो सारे डोमेन और रेंज हैं आपने क्लास 11th में पढ़ चुके हो। सो अब हम क्या करते हैं, इससे आगे की बात करते हैं। सो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हम इन सारे फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इनवर्स फंक्शन की बात करेंगे, ठीक है। सो मैं केवल इनमें से एक फंक्शन आपको साइन एक्स बता देता हूं और रिमेनिंग जो फंक्शंस हैं आप बुक से अपने आप ट्राई करेंगे, उनके डोमेन और रेंज आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। प्रिंसिपल वैल्यू डोमेन क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए क्योंकि इसी से जो सबसे इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन आता है प्रिंसिपल वैल्यू वो आपको सॉल्व करेंगे, वो हम सॉल्व करेंगे ये सारे पढ़ने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इनवर्स फंक्शन की बात करते हैं। सो साइन इनवर्स एक्स की हम बात कर रहे हैं, साइन फंक्शन की बात करते हैं। अभी लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था
इन्वर्टिबल फंक्शन. इन्वर्टिबल फंक्शन होते क्या है? अ फंक्शन विच हैज इनवर्स. किसी भी फंक्शन का अगर इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा? इन्वर्टिबल फंक्शन कहलाएगा. ओके, एंड इन्वर्टिबल फंक्शन का कंडीशन क्या होता है? इफ fx इज इन्वर्टिबल, देन अगर कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है तब क्या होगा? फर्स्ट क्या क्या कंडीशन थी जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी? फर्स्ट वन, जो फंक्शन है फंक्शन होना चाहिए इस वन वन, और fx जो फंक्शन है फंक्शंस क्या होना चाहिए? ऑन टू, यानी फंक्शन वन वन भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए. अगर फंक्शन वन वन ऑन टू है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा. सो आप जरा देखें, जो हमारा फर्स्ट फंक्शन था, जो हम sin x की बात कर रहे हैं, sin x इज अ फंक्शन, यानी एफ एक्स के इक्वल टू हमें क्या गिवन है? sin x. इसका डोमेन क्या था? r एंड अप टू माइनस वन से वन, ये इसका रेंज है. सो ये जो फंक्शन है ना, बार टू माइनस वन टू वन, ये फंक्शन कैसा गिवन है? यह फंक्शन हमें गिवन है. अब इसका जो इनवर्स है, यानी फंक्शन का इनवर्स है फ्रॉम बी टू ए, दैट मीन्स माइनस वन टू वन से आर तक एग्जिस्ट करेगा. बट वो एग्जिस्ट कब करेगा? जब ये फंक्शन यानी साइन एक्स क्या होना चाहिए? वन वन एंड ऑन टू. फंक्शन कैसा होना चाहिए? वन वन ऑन टू होना चाहिए. अगर फंक्शन वन वन ऑन टू है तब तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा. सो जो देखें, क्या साइन एक्स वन वन फंक्शन है? इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड है. हम इसका ग्राफ से भी देख सकते हैं, साइन एक्स का ग्राफ जो आपने क्लास 11th में पढ़ा था उससे भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, या सिंपली हम कोई दो पॉइंट्स बता सकते हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे साइन पाई बाई टू ये वैल्यू, और साइन टू पाई प्लस पाई बाई टू ये दो वैल्यूज. आप जो इन दो वैल्यूज को देखें, साइन पाई बाई टू की वैल्यू क्या होती है? दैट इज वन. एंड साइन टू पाई प्लस पाई बाई टू, टू पाई प्लस पाई बाई टू ही मैंने क्यों लिया? बिकॉज साइन कॉस टेन जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दीज आर सर्कुलर फंक्शन अदरवाइज पीरियोडिक फंक्शन. सर्कुलर फंक्शन क्या होते हैं? जो एक सर्किल कंप्लीट करने के बाद अपनी वैल्यू रिटर्न करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी उनकी वैल्यू जो है रिपीट होना स्टार्ट हो जाती है. दैट मीन्स साइन जीरो और साइन टू पाई प्लस जीरो दोनों वैल्यू सेम ही होंगी. सो जरा देखें, साइन पाई बाई टू की वैल्यू वन, एंड साइन टू पाई प्लस थीटा, टू पाई प्लस थीटा हमने अभी जो क्लास 11 था उसमें ये सारे फॉर्मूले पढ़ चुके हैं. सो दिस इज इक्वल टू साइन पाई बाई टू, एंड साइन पाई बाई टू इज इक्वल टू वन, और ये जब दोनों को एड करेंगे सो ये वैल्यू होगा साइन फाइव पाई बाई टू. सो आप जरा देखें, साइन पाई बाई टू की वैल्यू भी बने एंड साइन फाइव पाई बाई टू की वैल्यू भी वन ही आ रहा है. दैट मीन्स दो डिफरेंट पॉइंट्स की इमेज जो है वो सेम आ रही है. दो डिफरेंट पॉइंट है, इमेज सेम है. इट मीन्स दिस फंक्शन इज नॉट वन वन, यानी जो साइन एक्स है ना, साइन एक्स इज नॉट वन वन फंक्शन. ये फंक्शन वन वन नहीं है. अब क्या ये फंक्शन ऑन टू होगा? ओके, चेक कर लेते हैं. ऑन टू, अब हम सेकंड कंडीशन चेक करते हैं. सेकंड कंडीशन क्या नहीं, फंक्शन वन ऑन टू है या फिर नहीं है. सो जरा देखें, ऑन टू के लिए कंडीशंस क्या होती है कि राइट हैंड साइड में जो सेट गिवन है उसमें जितनी भी वैल्यूज लाई कर रही है, जितनी भी वैल्यूज हैं, उन सभी वैल्यूज के लिए कुछ ना कुछ प्री इमेज एग्जिस्ट करना चाहिए. सो जरा देखें, साइन एक्स की वैल्यू माइनस वन टू वन लाई करती है. ओके, सो अगर साइन की वैल्यू इस इंटरवल से आप कुछ भी वैल्यू कंसिडर कर लें, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने यहां पर ये कंसिडर कर लिया, मैं केवल एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, हमने यहां पर इनके बीच का कोई भी एक पॉइंट कंसिडर कर लिया, माइनस हाफ ले लिया. सो जरा देखें, कोई भी पॉइंट कंसिडर करेंगे ना, सो यहां पर जो x है वो x की वैल्यू डेफिनेटली क्या होगी? r में बिलोंग्स करेगी, यानी वो हमेशा कुछ ना कुछ रियल नंबर हो गई होगा, वो हमेशा रियल नंबर लाई करेगा. ठीक है, कभी कभी क्या ऐसा हो सकता है, जैसे मैं इस वैल्यू की जगह ये कंसिडर कर लू, अंडर रूट थ्री बाय फोर ले लेते हैं. दिस वन इज ऑल्सो लेस देन वन, बट ये स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, ये स्टैंडर्ड एंगल नहीं है. बट क्या होगा, इसकी जो वैल्यूज है ना वो डेफिनेटली जो कॉरस्पॉन्डिंग एक्स है वो उसके लिए एक्स की जो वैल्यू होगी वो रियल नंबर में ही एग्जिस्ट करेगी. इट मीन्स जो साइन एक्स है, साइन एक्स इज ऑन टू फंक्शन.
सो हमें पता ये चल रहा है कि जो साइन एक्स है वो वन वन फंक्शन तो नहीं है बट ऑन टू फंक्शन है। अब वन वन फंक्शन नहीं है, जब तक ये फंक्शन वन वन नहीं होगा इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। सो इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए, दैट मीन्स इस फंक्शन को वन वन बनाने के लिए हमने क्या किया, इस इंटरवल को, दैट मीन्स इसके डोमेन को कुछ इंटरवल्स में डिवाइड कर लेते हैं। कुछ इंटरवल्स में हमने क्या किया, डिवाइड कर लिया। अगर इस इंटरवल्स को डिवाइड कर लें और इंटरवल्स में ये फंक्शन वन वन आ रहा है, दैट मीन्स फंक्शन क्या होगा, वो वन 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 फंक्शन होगा। सो वन वन फंक्शन के लिए मैं क्या करता हूँ ना, आपको ग्राफ बनाकर दिखा देता हूँ, होपफुली आपको उससे बहुत जल्दी से समझ आ जाएगा। साइन एक्स का जो ग्राफ होता है, साइन एक्स का ग्राफ आपने पढ़ा ही है, साइन जीरो जीरो के इक्वल होता है, साइन पाई बाई टू, ये वैल्यू हो गई जीरो, ये पाई बाई टू हो गया, ये टू पाई बाई टू दैट मीन्स पाई हो गया, ये थ्री पाई बाई टू हो जाएगा और ये टू पाई आ जाएगा। ऐसे ही ये माइनस पाई बाई टू आ गया, दैट इज माइनस पाई, माइनस थ्री पाई बाई टू एंड माइनस टू पाई। सो साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह से ग्राफ एडजस्ट करता है। ऐसी इधर साइड भी लाई करता है, ओके। सो ये फंक्शन वन वन नहीं है, मैं कैसे बता सकता हूं। सो जरा देखें, कोई भी एक पॉइंट आप कंसिडर कर लो, एक ये पॉइंट है यानी एक्स की कोई एक वैल्यू है, सो वाई इज इक्वल टू क्या मिल रहा है हमें, जीरो। अब y इज इक्वल टू जीरो दूसरे कौन से पॉइंट पर मिल रहा है, इस पॉइंट पर, दैट मीन्स साइन जीरो और साइन पाई दोनों की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। दैट मीन्स दिस फंक्शन इज नॉट वन वन फंक्शंस। वन वन फंक्शंस के लिए एक्चुअली क्या होना चाहिए कि इंटरवल में जितने भी पॉइंट्स हैं उनके लिए केवल एक ही पॉइंट आना चाहिए, यानी उसके जो वाई की वैल्यू है ना, यानी वाई इज इक्वल टू हम साइन एक्स लिख रहे हैं, सो एक्स की जो वैल्यू हम पुट करेंगे, वाई की वैल्यू केवल सिंगल आनी चाहिए, एक ही बार आना चाहिए। सो इंटरवल्स को मैंने किस तरह से डिवाइड किया, फर्स्ट इंटरवल इज दिस वन, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। इस माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक जितनी भी एक्स की वैल्यूज लाई कर रही हैं, उसके लिए जो वाई होगा वो वाई सेम ही होगा। सेम होने का मींस, सॉरी, वाई क्या होगा, वो एक ही जगह एग्जिस्ट करेगा, यानी वाई की वैल्यू यूनिक होगी, वो डिफरेंट डिफरेंट नहीं होगी, यानी यहां से यहां तक किसी भी दो पॉइंट्स पर वाई की वैल्यू सेम नहीं है। आप जरा देखो, यहां पर कोई x लेंगे, y की वैल्यू आपको यहां पर मिलेगी, यहां पर वैल्यू अगर हम x कुछ लेते हैं, y की वैल्यू डिफरेंट आएगी। ऐसे ही x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पर लिए हैं, y की जो वैल्यूज होगी वो डिफरेंट डिफरेंट होगी। यानी हमने इस इंटरवल्स को डिवाइड कैसे किया, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। द नेक्स्ट इंटरवल क्या होगा, पाई बाई टू से थ्री पाई बाई टू। ये केवल जो इतना पार्ट आ रहा है ना, यानी एक अप पार्ट, मतलब एक क्वार्टर का अप पार्ट और एक क्वार्टर लोअर पार्ट, इन दोनों को कंबाइंड करके जितना भी x की वैल्यूज हैं, इस पूरे पार्ट में कभी भी y जो है रिपीट नहीं होगा। वो हम राइट साइड भी ले सकते हैं, आप राइट साइड भी जा सकते हो या फिर लेफ्ट साइड भी जा सकते हो। सो माइनस पाई बाई टू से लेकर माइनस थ्री पाई बाई टू के बीच में भी किन्हीं भी दो पॉइंट्स पर y की वैल्यू सेम नहीं होगी। सो हमने क्या किया, इस इंटरवल को डिवाइड कर लिया, यानी इन छोटे छोटे इंटरवल्स में डिवाइड कर लिया, जिससे क्या हो जाए, ये फंक्शंस क्या हो जाए, वन वन हो जाए। सो जो हमारा इंटरवल था वो हमने कैसे डिवाइड किया, ये है साइन एक्स, साइन एक्स का जो डोमेन था आर से माइनस वन टू वन था, बट ये फंक्शन नॉट वन वन है, वन वन फंक्शन नहीं है। अब हमें इसे वन वन बनाना है। सो वन वन बनाने के लिए हमने क्या किया, इस आर को हमने ब्रेक किया। सो ब्रेक करने के लिए हमने पहला इंटरवल किया लिया माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, क्लोज इंटरवल, ये इंटरवल हो सकता है, और टेंस टू माइनस वन से वन। सो अभी मैंने आपको ग्राफ बताया साइन एक्स, अभी मैंने आपको ग्राफ में शो करके दिखाया कि माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में किसी भी पॉइंट पर जो वैल्यू है रिपीट नहीं हो रहा है। दैट मीन्स इस इंटरवल से इस इंटरवल में जो साइन एक्स फंक्शन है, दैट इज वन वन फंक्शन। ऐसे ही दूसरा इंटरवल हम क्या ले सकते हैं, पाई बाई टू से थ्री पाई बाई टू। अगर इंटरवल हम ये लें और रेंज ये लें, तो इस इंटरवल से इस इंटरवल तक ये जो फंक्शन होगा वो भी वन वन ऑन टू होगा।
इंटरवल हम नेगेटिव भी ले सकते हैं, दैट मीन्स माइनस थ्री पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू भी ले सकते हैं। ओके जहां देखें सभी में पाई पाई का गैप रहेगा, यानी इस वैल्यू से राइट साइड वैल्यू से अपर वैल्यू से आप लोअर वैल्यू माइनस करेंगे, सो वैल्यू क्या मिलेगा आपको, पाई मिलेगा। पाई बाई टू से माइनस करेंगे पाई बाई टू, दैट इज पाई। सो हर में जो है होगा ना, सभी इंटरवल्स में पाई पाई का डिफरेंस आ रहा है। ऐसे ही थ्री पाई बाई टू से जो नेक्स्ट इंटरवल होगा, थ्री पाई बाई टू से फाइव पाई बाई टू, द नेक्स्ट इंटरवल होगा फाइव पाई बाई टू से सेवन पाई बाई टू, ऐसी एंड ऑन इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटरवल्स होंगे। इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटरवल्स पॉजिटिव होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटरवल्स नेगेटिव भी होंगे, बहुत सारे नेगेटिव भी हैं पॉजिटिव हैं। इन किसी भी इंटरवल में से जितने भी इंटरवल्स लाई कर रहे हैं आप, इन सब में से कोई सा भी इंटरवल लें और कोडोमेन ये लेंगे यानी रेंज ये लेंगे, सो जो फाइनाइट फंक्शन है दिस फंक्शन विल बी वन वन एंड ऑन टू। सो फंक्शन वन वन भी है ऑन टू भी है, इट मीन्स इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और इन सभी इंटरवल्स में से देखें, ये जो इंटरवल्स है ना थोड़ा सा डिफरेंट है, ये इन सबसे चेंजेस है, चेंजेस क्या है, इसमें जीरो इंक्लूड हो रहा है, जीरो इंक्लूड हो रहा है। सो दैट मीन्स दिस फंक्शन, वैसे भी आपको देखें इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नंबर्स आ रहे हैं, बहुत सारे तरीके से हम इसे अलग सेपरेट कर सकते हैं, इसमें माइनस नंबर भी आ रहे हैं और पॉजिटिव नंबर भी आ रहे हैं, इसमें जीरो इंक्लूड हो रहा है, और भी बहुत सारे हम रीजन दे सकते हैं, ठीक है। सो ये जो इंटरवल है ना, दिस इंटरवल इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू, ये हमारा क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहलाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहलाता है। ओके इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को आप याद रखिएगा, क्योंकि यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी से हम प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करेंगे, इनवर्स फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू, ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहलाएगा। सो फाइनली हम ये लिख सकते हैं कि साइन एक्स फ्रॉम माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू अप टू माइनस वन टू वन, ये जो फंक्शन है साइन एक्स इज वन वन, फर्स्ट वन लिख सकते हैं, साइन एक्स इज वन वन फंक्शन, सेकेंड वन साइन एक्स ऑन टू भी है। ऑन टू के लिए तो हम बॉदर ही ना करें, क्योंकि ऑन टू तो वो आर टू इन माइनस वन टू वन भी, माइनस वन टू वन भी ऑन टू फंक्शन होता है। सो ऑन टू के लिए हमें प्रॉब्लम ही नहीं है, प्रॉब्लम हमें वन वन में था। सो हमने क्या किया, वन वन बनाने के लिए इस इंटरवल्स को डिवाइड कर लिया, डिवाइड करने के लिए हमने छोटे छोटे पार्ट में स्प्लिट किया, छोटे छोटे इंटरवल्स में स्प्लिट किया, और इसमें से ये इंटरवल जो है सबसे डिफरेंट है, इसलिए हमने केवल इसी को लिया, एंड दिस इंटरवल इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। सो साइन एक्स माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू अप टू माइनस वन टू वन, ये जो फंक्शन है दैट इज वन वन फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन। सो क्या होगा, जो इनवर्स है, इनवर्स ऑफ साइन एक्स एडजस्ट, बिकॉज फंक्शन वन वन भी है ऑन टू भी है, सो साइन एक्स का जो इनवर्स होगा वो एडजस्ट करेगा। सो साइन एक्स को जो हम रिप्रेजेंट करेंगे इसके इनवर्स को, दैट इज साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, एंड दिस इज नॉट इक्वल टू वन बाय साइन एक्स, यानी साइन इनवर्स एक्स को आप इस तरह से ना समझे, दिस इज नॉट वन बाय साइन एक्स, ये गलत है, ये आप नहीं लिख सकते हो इस तरह से, क्योंकि साइन इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ फंक्शन, ये रेसिप्रोकल फंक्शन नहीं है। रेसिप्रोकल फंक्शन के लिए आप साइन एक्स पर होल पावर माइनस वन लगाएंगे, वो उसका रेसिप्रोकल होगा। तो साइन इनवर्स एक्स, दिस इज द स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन, एंड दिस फंक्शन इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ द साइन एक्स, एंड सो साइन इनवर्स एक्स ये इसका इनवर्स फंक्शन होगा। और साइन इनवर्स एक्स कहां से कहां तक एग्जिस्ट करेगा, इसका जो डोमेन है, जैसे साइन एक्स ए टू बी एग्जिस्ट कर रहा है, सो इनवर्स फंक्शन बी टू ए एग्जिस्ट करेगा, यानी साइन इनवर्स एक्स कहां से कहां तक एग्जिस्ट करेगा, माइनस वन टू वन अप टू माइनस पाई बाई टू पाई बाई, ओके। सो साइन एक्स का जो वैल्यू होगा वो माइनस पाई बाई माइनस वन टू वन से लेकर माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू होगा, यानी ये साइन इनवर्स एक्स का डोमेन होगा, एंड दिस वन इज द प्रिंसिपल वैल्यू, ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी, यानी ये इसका रेंज होगा। और इस रेंज को, रेंज देखें डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, और इन सब में ये डिफरेंट है, सो इस डिफरेंट पार्ट को हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहेंगे, या प्रिंसिपल वैल्यू रेंज भी बोल सकते हैं। सो ये जो हमारा वैल्यू है इसी को हम प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। सो इसी की हेल्प से हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस का प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करेंगे।
सो अब मैं क्या करता हूँ, ये इसी सेम कॉन्सेप्ट पर जो जितने रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दैट मीन्स साइन एक्स, साइन एक्स के बाद कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, कॉसेक एक्स एंड सेक एक्स, इन सभी का इनवर्स एडजस्ट करेंगे। यानी उसमें हम क्या करेंगे, इंटरवल्स को हम चेंज कर लेंगे, यानी डिवाइड कर लेंगे, ताकि जो फंक्शन है वो वन वन हो जाए। ओके, सो बाकी के जो रिमेनिंग फंक्शंस हैं आप अपने आप ट्राई करें। अब मैं इससे आगे का जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो कैसे फाइंड करते हैं वो हम आपको बता दे रहा हूँ। सो अब हम क्या करते हैं, जो रिमेनिंग फंक्शंस हैं उनके एटलीस्ट डोमेन और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच तो फाइंड आउट, यानी एक टेबल मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये एक्सरसाइज जो हमारी टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक में भी आपको गिवन है, और टेक्स्ट बुक में आपको रिमेनिंग जितने भी फंक्शंस हैं उनका इनवर्स हम कैसे फाइंड करते हैं, यानी उनके इंटरवल्स को किस तरह से डिवाइड करते हैं, वो आपको मिल जाएगा। एग्जाम में कभी ऐसा पूछा नहीं जाता, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस ही आते हैं। सो अगर आप ना भी करें तो भी आपका काम चल जाएगा, बट आपको ये जो डोमेन और इनके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि इसी के हेल्प से हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए, जो साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स ही लिखते हैं, यहां पर हमने लिखा फंक्शन, यहां पर इसका डोमेन लिखते हैं। साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है दैट इज माइनस वन टू वन, यह हमने लिखा फंक्शंस, ये इसका डोमेन है, और इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होगा, दैट इज माइनस पाई बाई टू से पाई बाई क्लोज इंटरवल। नाउ सेकंड फंक्शन इज कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन सेम ही होता है माइनस वन टू वन, और इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है दैट इज जीरो टू पाई। बुक में सभी का डिटेल गिवन है, मैंने आपको एक बता दिया है, रिमेनिंग आप अपने आप ही करेंगे। आप इनको फंक्शंस के जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके ग्राफ से इजीली पता चल जाएगा कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या लिया जा रहा है। नेक्स्ट वन है कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है दैट इज आर माइनस माइनस वन टू वन। ऐसे ही सेक इनवर्स एक्स है, सेक इनवर्स एक्स का जो डोमेन है वो भी सेम ही है माइनस माइनस वन टू वन। सो इनका जो रेंज है, यानी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है दैट इज माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। वो सेम ही है जो साइन इनवर्स एक्स का होगा, बट इसमें से आपको जीरो एक्सक्लूड करना पड़ेगा। जीरो एक्सक्लूड क्यों करेंगे, क्योंकि अगर जीरो हम यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं सो वन अपॉन साइन एक्स, यानी जो एक्स की वैल्यू होगी ना उस पर जो फंक्शन होगा वो अनडिफाइन हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ को आपको जीरो एक्सक्लूड करना पड़ेगा। सेम ऐसा ही है सेकंड वर्स एक्स का जो रेसिप्रोकल फंक्शन है, सेक एक्स का जो रेसिप्रोकल फंक्शन है वो कॉस एक्स है। सो कॉस एक्स जिस पॉइंट पर जीरो होता है उस पॉइंट को आपको हटाना पड़ेगा। सो कॉस एक्स पाई बाई टू पर जीरो होता है। सो यहां पर क्या होगा, कॉस का सेम ही होगा जीरो से पाई, और इसमें से हम क्या करेंगे पाई बाई टू को एक्सक्लूड कर देंगे, यानी पाई बाई टू को हटा देंगे। दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। अब द नेक्स्ट फंक्शन है हमारा टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स का जो डोमेन है दैट इज आर, ऐसे ही कॉट इनवर्स एक्स, इसका डोमेन भी आर ही होगा, और उसके बाद इनका जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है टेन इनवर्स एक्स का होता है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू ओपन इंटरवल, और यहां पर होता है जीरो से पाई ओपन इंटरवल। इन दोनों में ओपन इंटरवल लेते हैं, क्योंकि अगर माइनस पाई बाई टू टेन में सब्स्टिट्यूट करेंगे ना तब वो अनडिफाइंड फंक्शन होगा। टेन पाई बाई टू की वैल्यू क्या होती है, अनडिफाइंड। सो इसलिए पाई बाई टू को यहां पर इंक्लूड नहीं करेंगे। सो ये हमारे जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन हो गए, एंड दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ये आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि इन्हीं के हेल्प से हम प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करेंगे। सो आई थिंक पहले आप क्या करें, इन सारे जो फंक्शंस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं इनको आप अच्छे से याद कर लें, देन हम इससे जो रिलेटेड एक्सरसाइज है, जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का फर्स्ट एक्सरसाइज है उसको हम स्टार्ट करेंगे। ओके, सो अभी आप क्या करें, पहले इतना ही आप याद कर लें, इसको आप थोड़ा समझ लें। हाँ, एक चीज और, जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ना, इनके डोमेन ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लिखा है, दैट मीन्स इनके हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप बुक की हेल्प से इन सभी के ग्राफ जरूर देखें, ग्राफ की हेल्प से आपको ये याद करने में बहुत आसानी होगा। ओके, सो आप क्या करेंगे, इन सबके ग्राफ एक बार देखेंगे और ये टेबल बहुत अच्छे से याद रखेंगे, ताकि आपको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना आ जाए। सो आज इस वीडियो में मैं इतना ही रहने देता हूँ, इतना जो होमवर्क है आप कंप्लीट करें, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में, यानी नेक्स्ट कल जो है, हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे।
ओके, थैंक यू वेरी मच।